सेक्स की इच्छा कम है, जल्दी निकल जाता है, उम्र बढ़ गई है, क्या करूं? यह सवाल लेकर आज मेरे पास में एक व्यक्ति आए, उसके बारे में मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव है, तो उसके बारे में आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में देखकर फायदा हो सकता है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करीब करीब 57 ईयर्स का वो व्यक्ति मेरे पास में आ जाए, आने के बाद में नमस्कार चमत्कार करके बैठे और बोले, अभी मैं 47 उम्र का था तब मैंने शादी किया, और उसका कारण यह है कि घर में बहुत जिम्मेवारी थी, बहनों की शादी थी, भाई को काम पे लगाना था, मतलब पूरा परिवार का बोझ मेरे ऊपर था, और इसलिए मैंने शादी लेट किया। फिर थोड़ा और मैंने खोदने के बाद बोला कि नहीं, वैसे भी तो मेरी थोड़ी इच्छा ही कम थी, सेक्स में कम इच्छा थी, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, तो वैसे भी मैं पोस्टपोन करते गया। फिर उम्र के 47 में शादी की, मतलब आज 10 साल हो गए शादी को, तब उसको पत्नी मिली 36 साल की, मतलब 11 साल छोटी। अब उनको प्रॉब्लम आ गया बच्चा पैदा करने का, मतलब पहले तो इच्छा नहीं, पहले रोज़ सेक्स नहीं हो रहा है, वैसे उम्र ज़्यादा है, 47 बोले तो मतलब कोई यंग थोड़ी है कि 20-25 साल का है। अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम है ही, कर्जा है, और उसमें अभी टेंशन आ गया, प्रेशर आ गया कि अभी बच्चा पैदा करना है। अभी 36 ईयर्स की उसकी जो पत्नी है बोल रही कि अभी बच्चे नहीं हो रहे, साल दो साल हो गए, फिर डॉक्टर की चक्रा काटो, फिर उनको मालूम पड़ा कि थोड़ा शुक्राणु की संख्या कम है, फिर डॉक्टर बोले कि अभी ये हो ही नहीं रहा, फिर आप बाहर से लो, सीमेंट बैंक से लाओ सीमेंट, और वो हम करेंगे, वो भी ट्राई किया, बहुत पैसा खर्चा हो गया, और आज 57 की उम्र है, बच्चा नहीं है। अभी सोचा कि भाई कम से कम अभी मेरे सेक्स के ऊपर तो ख्याल दो, मतलब कभी मैंने एंजॉय नहीं किया टेंशन में, तो ठीक है बच्चा नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कम से कम मैं सेक्स भी तो एंजॉय करूँ। और फिर उसको अभी एहसास होने लगा कि यार मुझे तो बहुत जल्दी निकल जाता है। फिर जब उसने और देखा तो उसको लगा कि उसका सामने वाला पोर्शन जो है, ग्लांस पेनिस जो उसको बोलते हैं, वो बहुत सेंसिटिव है, और उसके कारण होता क्या है कि इरेक्शन आता है, वो भी इतना स्टिफ नहीं है, जितना हार्ड चाहिए उतना हार्ड नहीं है, और फिर जल्दी जल्दी में करने की इच्छा होना क्योंकि उसको डर लगता है कि वो सॉफ्ट हो जाएगा, पेनिस सॉफ्ट हो जाएगा तो बाहर निकल आएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करो, और वो आदत में उसको अभी सामने वाला पोर्शन बहुत ही सेंसिटिव हो गया और तुरंत उसका निकल जाता है। औरत तो शादी के बाद में कभी खुश हुई नहीं, और इसलिए दोनों को मतलब दोनों में बीच बीच में झगड़े हो रहे। ऐसे इसमें जब वो आया तब मैंने, ठीक है मैं आपको काउंसलिंग करता हूँ, उसको मैंने दवाइयाँ लिख के दिया, दवाइयों में उसको मैंने जो दवाई दिया एलोपैथी होम्योपैथी दोनों मिक्स दवाई दी, और उसमें उसको मैंने बताया कि मैं आपको काउंसलिंग भी करता हूँ। जब सेक्स काउंसलिंग किया, काफ़ी सारे दिमाग के ऊपर लोड टेंशन प्रेशर मिसकंसेप्शंस, बचपन में बहुत हस्तमैथुन किया उसका इफेक्ट हो रहा है ऐसा उसको लग रहा है, फिर परिवार का बोझ उसको बहुत स्ट्रेस और टेंशन आ गया, और अभी उसको लग रहा है कि अपनी उम्र हो गई करके अपन सेक्स नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारे मिथ्स दिमाग में बिलीव्स वो निकाल दिए, चर्चा हो गई उसको, और मैंने सिटिंग को बुलाया, और फिर बाद में जैसा उसको क्लियर होते गया तो उसका सेक्स अच्छा होने लगा। मुझे कहना क्या है यहाँ कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं, बाकी भी काउंसलिंग या साइकोथेरेपी या सेक्स थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग का बहुत ज़्यादा कचरा निकल जाता है तो सेक्स अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो सिल्डेनाफिल तो है ही, वायग्रा तो हम लेती है, टाडालाफिल दवाई है, वर्दानाफिल है, एवानाफिल है, फिर अभी हमने हमारे इसमें हमारे क्लिनिक में हमने ट्राई करके देखा है कि भाई ब्रुप्रोपियन एसआर वो दवाई है, ट्रेजोडोन हमने ट्राई किया है, काफ़ी लोगों के उसका भी फ़ायदा हो गया है, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं वो हम लेते हैं, तो
फिर जो लोगों को उत्साह कम है, एनर्जी कम है, उनको हमने मोडाफिनिल ट्राई करके देखा हुआ है, वो लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो दवाइयाँ तो है ही, मगर उसके अलावा एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद दवाई भी है। आयुर्वेद दवाइयों में भी काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। मेरे शिलाजीत के वीडियो है, वो आपको पता होंगे ही। तो शिलाजीत काम का है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये दवाइयाँ लेते हैं तो फ़ायदा होता ही है, मगर स्पेशली ये देखना चाहिए कि हम, मतलब आप खुद अपने ऊपर कुछ फोकस कर रहे कि नहीं कर रहे, कि क्या दौड़ भाग कर रहे हैं, दौड़ रहे। 57 साल की उम्र में इसको एहसास होगा कि मैंने तो कभी मेरे ऊपर ख्याल ही दिया नहीं और मैंने कभी सेक्स एंजॉय किया नहीं। शादी लेट किया, शादी के बाद में बच्चे पैदा करने के लिए दिमाग में टेंशन टेंशन पालते गए। अभी उन्होंने उनका विचार छोड़ दिया है कि ठीक है बच्चा नहीं हुआ तो गोद में लेंगे, मगर अभी दोनों अच्छे रहेंगे, शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे और अच्छा सेक्स करेंगे और सेक्स में एंजॉय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का उनका केस स्टडी मैंने आपको बताया। ये इसलिए बताया कि आप में से जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के होंगे और उसके लिए काउंसिलिंग है, उपचार है। नीचे नंबर दिए हमने, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके प्रोफेशनल डॉक्टर जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका इलाज करके एक सुखी वैवाहिक जीवन आप जी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।